एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनकी एक्टिंग का लोहा सभी मानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि बॉलीवुड एक ग्लैमर इंडस्ट्री है और यहाँ पर रंग भेद जैसी चीजें भी मौजूद है। हाल ही में नवाज ने इस मुद्दे पर बोलते हुए काफी अच्छी और चुभने वाली बात कही है। नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे यह एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं किसी गोरे और हैंडसम के साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं काला हूँ और मैं दिखने में भी अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी उन चीजों पर खास ध्यान ही नहीं किया। नवाजुद्दीन का यह ट्वीट उन सबके मुंह पर एक कड़ा तमाचा है जिन्होंने उनके लुक्स और रंग को तवज्जो देते हुए कभी उन्हें काम देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि हाल ही में नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक समय ऐसा था जब उनके लिए टेलीविजन की दुनिया में भी अपने लिए रोल पाना कितना मुश्किल था। नवाजुद्दीन ने कहा था कि एक आउटसाइडर होने के कारण कई बार लोग यह तक कह देते थे कि मैं एक्टर की तरह नहीं दिखता क्योंकि ना तो मेरे सिक्स पैक एब्स हैं और ना ही मैं लंबा चौड़ा और हैंडसम हूँ, यहाँ तक कि लोग मेरे रंग रूप के आधार पर मुझे जज करते। खैर, इन सब बातों का नवाज की टैलेंट पर कोई असर नहीं पड़ा और आज अपनी मेहनत के दम पर वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। हाल ही में श्रीदेवी के साथ फिल्म मॉम में एक अलग अंदाज में नजर आए नवाज जल्द ही रणबीर कपूर के साथ जग्गा जासूस में और टाइगर श्रॉफ के साथ मुन्ना माइकल के अलावा बाबू मोशाय बंदूकबाज में नजर आएंगे। ऐसी ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा ये चैनल।